तो स्वागत है वाले बिल्कुल न्यू फ्रेश वीडियो में यार भाई। तो यार आज अपन लोग खेलने वाले द डोरेमोन होटल। जी हाँ, डोरेमोन ने डोरेमोन होटल एक हॉरर गेम होने वाला है। ठीक है, तो चलो फाइनली गेम एस्टी हो गया, अभी अपन लोग गेम पे फोकस करते हैं। वेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक घर में आग लगी है और अपन लोग घर के बाहर रोड पे खड़े हैं। ठीक है, और भाई साहब किसका घर है मेरे को भी नहीं पता। और यहाँ पे इंट्रो चल रहा है। ठीक है, अभी अपन लोग को इसी इंट्रो से समझना पड़ेगा इस गेम की स्टोरी और पीछे क्या है। बहुत अंधेरा है बट यहाँ पे एक गेट लगा है। ठीक है, और अभी अपन लोग आगे जा रहे थे। हाँ, और यहाँ पे इंट्रो ख़त्म हो गया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गेम एस्टी हो चुका है। चलो अभी अपन लोग इसके अंदर जाना है। ठीक है, और फाइनली अपन लोग अंदर आ चुके। और भाई एक सेकंड, बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया भाई। अंदर आया तो बाहर भी जा सकता हूँ ना। वेट भाई, क्या सीन है। और ये रहा वो डोरेमोन, डोरेमोन नहीं, ये डोरेमोन है। हाय नोबडी, ओ व्हाट आर यू डूइंग हियर। ओके, अपन लोग इससे, अच्छा ये मेरे से पूछ रहा, मैं बोल, अच्छा वो मेरा हाउस चल रहा था। ओ सेट भाई, अपन लोग के हाउस में आग लग गई है और ये डोरेमोन का होटल है। मतलब अब अपन लोग को यहाँ पे होटल पे रूम चाहिए क्योंकि अभी रात है, रात में कहीं जा भी नहीं सकते। तो अपन लोग को घर में आग लग चुकी है, तो अभी अपन लोग होटल में आ गए रहने के लिए। ठीक है, चलो अभी मैं समझ गया गेम की स्टोरी वगैरह कि अपने घर में आग लग चुकी और अब अपन लोग इस होटल में आए। बट यहाँ पर कितना अंधेरा है भाई। भाई मेरे को एक सेकंड, फाइनली मेरे को बेड मिल गया मेरा, तो मैं सो जाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो चलो फाइनली अपन लोग सो गए, ये नाइट वन है। तो चलो यार भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस शुरुआत हुई गेम की। तो चलो यार फाइनली एक सेकंड, ये क्या गोल गोल सा घूम रहा है। वेट यार, मेरे पास टॉर्च है, मेरे को टॉर्च का यूज़ करना चाहिए भाई। और ये भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसके अंदर क्या है भाई, जादू यंत्र है क्या, समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये बाहर आके खड़ा हो गया, मैं डर गया भाई। डोरेमोन क्या बोल रहा है, चलो इससे बात करते हैं, कुछ कहना चाहता है अपन लोग से भाई। नाम देख रहे हो, डोरेमोन, डोरेमोन नहीं डोरेमोन। ओके चलो इससे बात करते हैं भाई, ये क्यों आया है। ओके, व्हाट हैपन, अपन लोगों ने पूछा। तो ये बोल रहा है कि मतलब कि तुम, आई फॉरगेट टू टोल्ड यू दैट यू, तो मतलब कि अपने पास मनी नहीं थी और अपन लोग विदाउट मनी इसके होटल में रुक चुके हैं। ठीक है, और अब ये बोल रहा है कि तुम पैसे दो और अपन लोग बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा तो सब कुछ जल के राख हो गया। तो अब ये बोल रहा है तुम मेरे लिए बिग मतलब वर्क करो, मेरे लिए काम करो, जैसे रहता है ना होटल में चले जाओ और बिना पैसे दिए खाना खा लो, तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ये होटल है, अपन लोग यहाँ पर रहने आए थे और भाई अपने पास नहीं था पैसा, और अभी अपन लोग को बोल रहा है तुम मेरी होटल में काम करो, कुछ भी वर्क करो। अभी लेके जा रहा है अपन लोग को भाई, एक तो इतना अंधेरा है इसके होटल में। चलो चलते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है फॉलो हिम। अभी अपन लोग को इसको फॉलो करना है और ये अपन लोग को काम देगा कि अपन लोग को करना क्या है। कितना स्लो स्लो निंग रहा है यार भाई, जल्दी जल्दी चले यार, मेरे को पता क्या काम करना है। तो चलो अपन लोग इसको फॉलो करते हैं भाई, इतना ज़्यादा अंधेरा देख रहे हो भाई, ये होटल है क्या है भाई, एक दो बल्ब तो लगा देता। चलो कोई ना, अभी अपन लोग इसको इसके पीछे चलते भाई। ये कहाँ ले जा रहा है, एक सेकंड, ये कौन से रूम में लेके आ गया यार, यहाँ पे कुछ लिखा था। चलो भूतनी वाला क्या है भाई, ये भूतनी वाला, सो यू क्लीन द रूम, मेरे को ये रूम क्लीन करना है। और यहाँ पे तो खून वगैरह डला यार। वेट, पिकअप द, अपन लोग को झाड़ू को लेके आना है स्टोर रूम से, बट भाई यहाँ पे तो खून ही खून पड़ा है। छी भाई, ये होटल है क्या, क्या है भाई, मेरे को अब डर लग रहा है कसम से। तो अब मेरे को स्टोर रूम फाइंड करना है क्योंकि झाड़ू वहीं पर मिलेगा। ये टॉयलेट है और स्टोर रूम कहाँ पर मिलेगा, एक कीप आउट। अच्छा यहाँ से कीप स्किप होगा क्या, ये भाई क्या है भाई, मेरे को डर सा लग रहा है। वैसे भाई ये पूरा होटल ही डरावना है। ये भी कीप आउट लिखा है क्या यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को सबसे पहले स्टोर रूम फाइंड करने दो भाई, आगे की चीज़ अभी अपन लोग पहले, जो अभी अपन लोग को प्रेजेंट में करना है वो देखने दो। ठीक है, वेट, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, तो चलो आई थिंक स्टोर रूम नीचे ही मिले। अच्छा ये बेडरूम है, अपन लोग को बेडरूम को क्लीन करना है भाई। बेडरूम तो अपन लोग का भी है, अपन लोग को तो नहीं मार देगा जैसे इसने यहाँ पे किसी को मारा है भाई। यहाँ पे कुछ तो हुआ है, खून वगैरह डरा है भाई, और अपन लोग का भी बेडरूम है नीचे भाई, मेरे को इससे सतर्क रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपना काम करता हूँ क्योंकि यार एक रात रुकाऊँ इसके, बट यार रात ही, अभी भी तो रात ही है यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट यार अभी अपन लोग आगे का काम करते, चलो यार फटाफट नीचे चलते और अपन लोग लेके आ जाते झाड़ू। तो चलो फाइनली मैं नीचे आ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो चलो फटाफट नीचे उतर गए, अब यहाँ पे मेरे को स्टोर रूम फाइंड करना है। ओके, तो चलो ये टॉयलेट है और स्टोर रूम कहाँ पे मिलेगा। वेट, ये ऊपर जाने का रास्ता, एक तो अंधेरा इतना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार यहाँ पे क्या बताओ। वेट यार, मेरे को स्टोर रूम फाइंड करना, ये अच्छा बाहर का रास्ता है, यहाँ पे कुछ रखा है और हाँ ए रहा स्टोर रूम। तो चलो फाइनली भाई, इतनी देर बाद स्टोर रूम भी मिला और झाड़ू भी मिल गया मेरे को। चलो इसको लेके फटाफट ऊपर चलते हैं और उसका रूम के लिए। अबे भूतनी वाला ये अचानक से यहाँ पे नीचे आ गया, देख लो अभी तो नीचे नहीं था भाई, कुछ तो गड़बड़ है इस होटल में कसम से। चलो वेट यार, अब मेरे को ऊपर जाना है यार, एक तो यहाँ पे भूल भुलैया से मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, ऊपर जाने का रास्ता कौन सा था, भूल ही गया मैं। वेट यार, कहाँ पे थी यार वो सीढ़ियाँ भाई, मैं बिल्कुल भूल गया कसम से कहाँ से आया था। वेट, अभी अपन लोग को फाइंड करना पड़ेगा सीढ़ियों का रास्ता। वेट यार एक सेकंड, ये अच्छा ये रहा वो रास्ता, आई थिंक ये वही रास्ता है।
और यहाँ पे बेडरूम है, ये तो अपना खुद का रूम है ठीक है, और हाँ ये अपना खुद का रूम है। बट यार ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पे था यार, टॉयलेट है। अबे यार अच्छी, हाँ ये रही स्टेयर लिखा है यहाँ पे, तो चलो फाइनली यार ऊपर जाने का रास्ता बहुत टाइम बाद मिला भाई। क्या ही तो होटल है यार भाई, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होटल है। एक तो एक आधा बल्ब लगा देता तो इसका क्या जाता। चलो भाई इतना ज़्यादा पूरा रूम देख रहे हो, कितना गंदा है भाई, खून ही खून से, कब तक साफ कर पाऊंगा मैं। चलो यार फटाफट क्लीन करते बिना टाइम वेस्ट किए। चलो यार भाई कितना खून लगा के रखे भाई ये, क्लीन द, चलो यार फटाफट, डोरीमोन का रूम है भाई ये, यहाँ पे लिखा है क्लीन द डोरीमोन रूम। चलो कोई ना फटाफट अपन लोग क्लीन करते बिना टाइम वेस्ट किए, और जल्दी से मेरे को क्लीन करना है और फिर फटाक से नीचे जाना है भाई, इस होटल से निकलना है, इसमें गंदा फंस गया भाई इस होटल में, यहाँ पे तो बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही। तो चलो यार फाइनली मैंने इस रूम को आधे से ज़्यादा क्लीन कर दिया, बस थोड़ा ही और रह गया, इसको फटाफट अपन लोग पूरा क्लीन करते और यहाँ से भाग जाते भाई। बहुत ज़्यादा डेंजरस ये होटल है और इसका मालिक भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है भाई, डोरेमोन भाई क्या ही तो नाम है। तो चलो यार फटाफट इसको क्लीन करते, ऑलमोस्ट होने ही वाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो एक तो भाई इतना ज़्यादा अंधेरा है ना यहाँ पे, क्या ही तो बताया। एक सेकंड भाई क्या हुआ, व्हाट वाज दैट भाई, क्या है भाई, अपन लोग का झाड़ू अचानक से गिर गया और साउंड आया चेक। अच्छा सोफा को चेक करना है मेरे को, नियर सोफा, बट क्या है यार भाई ये दिमाग खराब हो गया। अच्छी भाई सोफा को चेक करते, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार सोफे के पास, एवरीथिंग लुक नॉर्मल है। हाँ यार सब कुछ तो नॉर्मल है, बट हो क्या रहा है यार। चलो यार अपन लोग को उसी मालिक से पूछ के आना पड़ेगा भाई, इसको इग्नोर करो, क्या मैं वर्क करूँ, क्लीन द रूम, तो यहाँ पे लिखा रहा है क्लीन द रूम। चलो यार क्लीन, वॉट भाई ये क्या है भाई, वॉट समथिंग इज रॉन्ग यार भाई, अभी तो सब कुछ सही था यार, इसकी ऐसी की तैसी भाई, उसी से मिलके आना पड़ेगा भाई। ये होटल ही पूरी भाई बिल्कुल भूतिया लग रही है मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था कुछ तो गड़बड़े। अपन लोग को नीचे जाना पड़ेगा जल्दी से, चलो फटाफट अपन लोग नीचे चलते, उसी से बात करनी पड़ेगी डोरेमोन से। भाई मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया था, जस्ट थोड़ा ही रह गया था, और यहाँ पर देखा क्या हुआ भाई, इतना ज़्यादा गंदा हो गया, अभी तो खून खून था, अब तो बोतल मोटल यहाँ पे क्या क्या आ गई वहाँ पे। तो चलो अपन लोग फटाफट नीचे चलते बिना टाइम वेस्ट किए। वेट, और कहाँ पे रास्ता यार उसका, वहीं पे जाना है मेरे को बाहर। चलो एक सेकंड यार क्या हो रहा है, वेट कहाँ गया यार वो रास्ता, अचानक से मैं भाई भूल ही जाता हूँ। हाँ ये रहा, चलो भाई इससे बात करते भाई, ये क्या है दिमाग ख़राब कसम से। चलो हे समथिंग रॉन्ग यार, अपन लोग इससे बात कर रहे हैं तो ये बोल रहा है वॉट, अब एक वॉट क्या वॉट, वहाँ पूरा दिमाग ख़राब हो गया, पहले साउंड आया और साउंड आने के बाद जैसे बाहर गए तो सारा पूरा कचड़ा हो गया उसके अंदर, कमरे के अंदर। अब ये बोल रहा है आई वॉन्ट टू चेक है भाई, चेक करने को बोल रहा है। चलो यार ये बोल रहा है रूम वॉज ऑलरेडी, अच्छा मी यू आर स्लीप, ओके इग्नोर, फिनिश यूर वर्क एंड गेट गुड स्लीप। अबे भूतनी वाला ये बोल रहा है कि जो भी हो उसको छोड़ो, तुम अपना काम पूरा करो और सोने जाओ। अबे भूतनी के दिमाग खराब यार, इतना मेहनत किया मैं कसम से। चलो एक सेकंड, अब तो कुछ टास्क ही लिखा नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ मेरे को यार कुछ फाइंड करना है, हाँ यहाँ पे आके मेरे को फाइंड करना था, ये बैटरी मिल गई। चलो यार मैं लास्ट में पढ़ना भूल गया था, मेरे को यार यहाँ पे स्टोर रूम से कुछ मिलेगा, तो चलो मेरे को एक बैटरी मिल गई। अब मेरे को और भी फाइंड करना है, तो चलो अब मेरे को बैटरी तो मिल गई, अब क्या फाइंड करूँ मैं बोल यार। चलो यार मेरे को कुछ और भी फाइंड करना है इधर पर ठीक है। तो स्टोर रूम से मेरे को बैटरी मिली थी, इसमें इसने लास्ट में बोला था कि चेक स्टोर रूम ठीक है। अब मैं अपना बेडरूम चेक करता हूँ एक सेकंड। अच्छा यहाँ पर ड्रॉप करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि यहीं पे अपन लोग को इसको डालना है ठीक है, ओके डाल दिया। अब क्या करना है यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेट यहाँ पे कुछ और भी है रेड, इसको भी इसके अंदर डाल देता हूँ ठीक है। भाई मैं डाल तो रहा हूँ लेकिन हो भी कुछ नहीं रहा, कुछ लिखा भी नहीं आ रहा है कि तुमको आगे ये करना है। आई थिंक मेरे को कुछ और भी चीज़ फाइंड करनी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अबे टार्च को ऑन करो भाई, बिना टार्च के तो कुछ दिखता ही नहीं है। चलो यार कुछ और भी चीज़ फाइंड करनी है मेरे को ऐसा लग रहा है। तो चलो यहाँ से अपन लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलते और कुछ और भी चीज़ फाइंड करते। मैंने किचन में कुछ तो देखा था यार, चलो अपन लोग किचन को देखते हैं सबसे पहले जाके, ओके ठीक है। चलो यार ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, मैं किचन में चल के देखता हूँ। ये रहा किचन, और ये देखो यहाँ पे कुछ, ये तो उठा नहीं सकता मैं। वेट यहाँ पे कुछ रखा है, ये क्या यार, ये तो पानी भरने वाला जग लग रहा है मेरे को मग। चलो कोई ना, इसको भी अपन लोग किसी के अंदर डालना है क्या। चलो इसको भी डाल देते, ड्रॉप करने का ऑप्शन आ रहा है, तो चलो पानी मैंने डाल दिया इसके अंदर। और भाई ये क्या जादू यंत्र है भाई, मैंने तीन चीज़ें डाली और कचरा साफ करने वाली मशीन निकल के आ गई। वॉट भाई, चलो बढ़िया यार, अपन लोग का काम आसान हो गया। अपन लोग फटाफट ऊपर चलते और पूरा क्लीन कर देंगे इस रूम को। वेट ये रहा रास्ता ऊपर जाने का, भाई ये मशीन बढ़िया है, अब तो मेरा काम चुटकियों में हो जाएगा। चलो यार फटाफट चलते हैं अपन लोग उसी रूम में, बेडरूम मेरा। चलो यार अब अपन लोग फटाफट क्लीन करते हैं इसको भाई, अब तो अपने पास मशीन है यार, अब अपन लोग को ज़्यादा दिक्कत की बात। अबे ये मशीन काम कैसे करती है यार, अबे टार्च तो ऑन रखना पड़ेगा।
हाँ हाँ काम कर रही काम कर रही। चलो चलो इसके क्लोज में जाना पड़ेगा अपने को, जहाँ भी कचरा ना बिल्कुल क्लोज में जाओ और फटाफट क्लीन करो। चलो यार मशीन से तो मैं अभी अभी फटाफट क्लीन कर देता हूँ भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अपने को क्लीन करने में। चलो यहाँ पे क्लीन कर दिया, यहाँ पे भी फटाफट क्लीन करते। चलो यहाँ पर भी अपन लोगों ने क्लीन कर दिया। चलो यार भाई मशीन में बहुत ही आसानी से काम हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी जल्दी अपन लोग सारा क्लीन कर दे रहे हैं भाई। बस थोड़ा ही हो रहा है क्या, और अपन लोग उसको फटाफट पूरा ही क्लीन कर देंगे। ओके और यहाँ पर थोड़ा और है। चलो यार भाई मशीन से तो काफ़ी जल्दी अपन लोग का काम निपट गया, बस जस्ट थोड़ा और रह गया। और भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट फिनिश्ड। चलो ये रह गया थोड़ा और लास्ट वाला। चलो यार भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार, ये मशीन मिल गई तो मेरा काम तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। देख रहे हो भाई चुटकियों में कर दिया भाई मैंने पूरा सारा काम। चलो तो फाइनली वेट, हाँ चलो फाइनली फिनिश हो गया, कहीं का तो नहीं रहेगा। एक मिनट, मैंने ऑलमोस्ट पूरा डन कर दिया। एक अच्छा है, एक थोड़ी सी जगह और रह गई, इसको भी फटाक से क्लीन करो। चलो तो चलो यार फाइनली रूम लोग क्लीन। तो चलो अभी अपन लोग फटाफट चलते स्लीप मतलब सोने चलते। तो चलो यार फटाफट इसको ड्रॉप करो, और अभी अपन लोग को डोरेमोन से बात करना है। ओके ठीक है, फटाफट नीचे चलते हो डोरेमोन से बात करते। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर डर लग रहा है मेरे को कसम से। चलो यार फटाफट अपन लोग नीचे चलते और इस डोरेमोन से बात करते भाई। वेट, यहाँ से अपन लोग बाहर निकलते और ये रहा रास्ता, थोड़ा थोड़ा रास्ता समझ में आ गया। चल भाई बोल थैंक्स फॉर यूर हेल्प। तो चलो यार अपन लोग ने मतलब ये बोल रहा है, चलो बढ़िया है तुमने मेरी हेल्प कर दी। तो चलो आई क्लीन यूर रूम नाउ गिव, अच्छा ये बोल रहा है थैंक्स फॉर, अभी भाई कुछ गड़बड़ हो गया। चलो कोई ना, तो इल यहाँ पे बोल रहा है चलो ओके तुम सो जाओ, ओके गुड नाइट। अच्छा तो चलो अपन लोग ने इससे बात कर ली, इसने भी थैंक्स बोला और अपन लोग ने भी थैंक्स बोल दिया, और अपन लोग पैसे के बदले इसका काम कर दिया। तो बस ये थी फर्स्ट नाइट, आगे इसका पार्ट टू आएगा यार भाई लोग। तो सब लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।